जेक पॉल वर्सेस नीरज भाई भाई ये ओके मैं ऑनेस्टली बताता हूँ ठीक है, जब ये नीरज वाला पूरा सीन शुरू हुआ था ना कि he was like कि भाई जेक पॉल तेरी माँ की मैं मारूंगा तेरे को ये and all that shit ठीक है, it was great ठीक है, but मेरे को ऐसा लग रहा था कि जेक पॉल भाव नहीं देगा ठीक है। मैंने फिर थोड़े टाइम पहले देखा कुछ 9 लाख फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे and I was like ग्रेट भाई ये तो गुड मार्केटिंग लाइक सही चल रहा है। एंड देन जैसी मैंने ये चीज नोटिस करी ना कि 9 लाख फॉलोअर हो गए, उसके बाद अगली रील आई जेक पॉल की तरफ से और नीरज की तरफ से दोनों की, वो मिल लिए भाई पॉटरी को में। Oye, Jake Paul, I'm the man of my world. Come to daddy. I'm here. Come to daddy. I'm in your country. Come I'm in your town. भाई वो मिल लिए, नीरज पहुंच गया वहां लड़ने, भाई वो लड़ने पहुंच गया, इट्स क्रेजी भाई। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये मैच हो ठीक है, लेकिन वही चीज है कि क्या इस फाइट से इतना पैसा कमा सकेंगे ये लोग, सवाल ये है। फेक तो नहीं है यार वो, यार मैं समझ सकता हूँ कि वो स्क्रिप्टेड और फेक क्यों लग सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीरज बोलता है अपनी रील्स में ठीक है, जेक पॉल आर यू रेडी, This will happen to you in the ring. ओए, ये हो सकता है कि planned हो। कैसे? क्योंकि recently एकदम से क्या कहते हैं जेक पॉल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जेक पॉल इंडियन ऑडियंस केटर करने की कोशिश कर रहा है बहुत जोर से, क्योंकि जेक पॉल ने वो एनिमल आ रही थी तो एनिमल के गाने पे रील भी डाली थी, फिर अभी उसने रिसेंटली शाहरुख खान के गाने पे रील डाली थी बॉक्सिंग करते हुए, तो वेरी पॉसिबल वो इंडियन ऑडियंस केटर कर रहा है, क्योंकि अब सबसे ज्यादा ऑडियंस कहीं ना कहीं इंडिया में ही है जो जिसको कैप्चर करा जा सकता है, वेरी पॉसिबल कि ये नीरज वाली चीज भी planned हो, बट लग नहीं रहा ऐसा। तो इनका मैच होगा, मजा तो आएगा भाई। डेली हाइलाइट्स और डेली कंटेंट के लिए, लाइव स्ट्रीम्स के लिए, फन के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें पक्का से मजा आएगा और बहुत फन आएगा ठीक है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब।